मायावती जी के जमाने में 19 मिले बंद होके बिकी, और आपके आपके जमाने में आपके आपके जमाने में 11 मिले बंद हुई। नहीं, अध्यक्ष महोदय, 11 मिल नाम बता, कम से कम माननीय मंत्री जी जो चीनी मिले समाजवादी सरकार में बिकी हैं उनके नाम पढ़ दें। बता रहे माननीय मंत्री जी, वो उन मिलों के नाम बता दीजिए। महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कुछ आंकड़े दिए, कुछ बताया कि पुरानी सरकार का ये फैसला था जिसकी वजह से 14 दिन में भुगतान के साथ साथ इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। हम तो सरकार में गए हुए 5 साल पहले हो गए और अब हो गए जाएंगे, हाँ लगभग 5.5 साल हो गए। माननीय मंत्री जी, आप तो शायद नए मंत्री बने होंगे, क्या आपकी भी सुनवाई ऊपर तक नहीं है? बुजुर्ग हैं? नहीं, बुजुर्ग तो हैं उम्र से, लेकिन अनुभव होगा इनके पास। लेकिन मुझे ये लगता है अध्यक्ष महोदय, इनकी सुनवाई सरकार में नहीं है। अगर कोई फैसला ऐसा लिया गया था, किन परिस्थितियों में लिया गया था, उस समय मार्केट में चीनी मिल चीनी का भाव नहीं था उतना, और माननीय मंत्री जी ये भी बताएं, देश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार कभी बजट से अगर किसानों का भुगतान के लिए पैसा दिया गया था तो समाजवादी सरकार थी। जहां तक एरिया बढ़ाना, रिकवरी बढ़ाना, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। सवाल ये नहीं है कि भुगतान कितना हुआ है, हर सरकार में भुगतान होता है, भुगतान होगा। सवाल यह कि बकाया कितना है, भुगतान तो होगा, हर सरकार करेगी, सरकार चली जाएगी, दूसरी सरकार की जिम्मेदारी वो करेगी। लेकिन सवाल आज जो माननीय सदस्यों ने पूछा है, जो किसान इंतजार कर रहे हैं, अरे डबल इंजन की सरकार है, $1 trillion इकोनॉमी की बात कर रहे हैं आप, और आप किसानों का 4,000 करोड़ रुपए पैसा नहीं दे पा रहे हैं, ये कैसी सरकार है? चलो 3,000 आंकड़ा ठीक हो जाएगा माननीय मंत्री, अभी अगली त्राई आ जाएगी तो ज्यादा बढ़ जाएगा, हो सकता है 10,000 करोड़ हो जाए। माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी साफ बताएं कितना भुगतान हुआ, ये नहीं बकाया कितना है जो भुगतान हो जाएगा वो कब तक कर देंगे आप? बस ये बकाया कितना और कब तक हो जाएगा, इसमें सभी का आ गया। और वो नियम बदलेंगे, पुराना के नियम बदलेंगे माननीय मंत्री जी, क्योंकि नाम ले दिया, बता दिया कि नियम बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? माननीय नेता विपक्ष ने एक बात कही थी, एक 5 साल सरकार को गए हुए हो गए, जो आपने उस समय ये ब्याज माफ की बात करी थी, वो आज भी, एक मिनट सुन, आज भी वो हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, और हाई कोर्ट से बार बार हमको नोटिस दिया गया है, हम उस पर, हमने कमेटी भी बनाई है उसको हल करने के लिए। एक मिनट। दूसरे नंबर ये है, आप, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं भी नेताजी के नेतृत्व में मैंने भी काम किया है, लेकिन मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूँ आपसे कि आपके मायावती जी के जमाने में 19 मिले बंद होके बिकी, और आपके जमाने में 11 मिले बंद हुई। नहीं, अध्यक्ष महोदय, नाम बता, कम से कम माननीय मंत्री जी जो चीनी मिले समाजवादी सरकार में बिकी हैं उनके नाम पढ़ दें। बता रहे माननीय मंत्री जी, वो उन मिलों के नाम बता दीजिए। मैं मिलों के नाम बता, सरकार में आपके जमाने में जो मिल बंद हुई, गागल हेड़ी बंद हुई, मझावली बंद हुई, बुलंदशहर बंद हुई, पिपराइच बंद हुई, मुनेरवा बंद हुई, पूरी 11 जिले आपके जमाने की मिले बंद हुई है। अध्यक्ष महोदय, बिकना बंद होना दो अलग चीजें। मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूँ कि समाजवादी सरकार में 12 से 17 कौन सी चीनी मिल बिकी है? बिकने वाले तो अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा चीनी मिलें कब लगी हैं? बिकने वाले में माननीय नेता प्रतिपक्ष, बिकने वाले में, बेचने वालों में आप एक महबूब जी, अरे माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, बिकने वालों में, बेचने वालों में आप नहीं है, वो आपके बगल में बैठे हुए हैं, वो आप नहीं हो, वो बंद होने वाले की बात बता रहे। ये जो बंद, एक मिनट सुन तो लें, एक मिनट धैर्य तो रखो, ये जो मैंने मिले बताई अध्यक्ष जी, ये हमने नई बनाई है, ये जो हमने बताई आपको, ये नई मिले बनाई
गागल हेडी मझावली बुलंदशहर पिपराइच मुनेरवा, हमने 5 मिल नई बनाई और आपने जो 11 मिल बंद की है उनके नाम बता रहा हूँ, पडरौना, टोडरपुर, सहारनपुर, अमरोहा, बघौली, जगदारनगर, खलीलाबाद, रसड़ा,